बिलासपुर के तखतपुर में सरपंच संघ के सदस्य मन ह थाना के घेराव करके थाना प्रभारी एस आर साहू ला ज्ञापन दिहिस और सरपंच के साथ मारपीट करैया लोगन के विरुद्ध कड़ा कार्रवाई करे के मांग करीस। थाना प्रभारी है सरपंच संघ के सब्बो सदस्य मन ला कार्यवाही बर आश्वस्त करीस और बोलीस के सरपंच के साथ मारपीट और झगड़ा करैया के विरुद्ध नियमानुसार बड़े कार्यवाही करे जाही। बता दन के पाछू दिन तखतपुर जनपद के ग्राम नगोई सरपंच चंद्र प्रकाश मरावी और ढंडन सरपंच उमेश ध्रुव के संग ओकर गांव के ही कुछ लोगन मन द्वारा मारपीट कर दिए रहीस, जेकर ले नाराज सरपंच संघ के सदस्य मन नाराज हो गए और मारपीट झगड़ा करिया लोगन के विरुद्ध कड़ा कार्यवाही के मांग करे खातिर थाना आके घेराव करीन। सरपंच संघ थाना प्रभारी से बातचीत कर सरपंच सुरक्षा के मांग करीस और गांव के शांति भंग करिया लोगन ला कड़ा संदेश दे के बात कहीं। गांव का ही एक लड़का है, बहुत जो गांव में हर कोई को दादागिरी से सब बात करते हैं। मैं वहां उस गली में गया था कि पानी टंकी बनना है हमारे यहाँ, तो सर्वे के लिए वहाँ मैं अपने पंच को देने गया था पंचायत के काम से। तो उन्होंने मेरे मुलाकात की वहाँ पर, तो बोला कि सरपंच आप मेरे आवास का नाम लिस्ट में नहीं लिखा है, आप आपके बहुत गलत कर, ऐसा कहकर मेरे साथ मेरे बहन माँ बाप गाली दिए और साथ ही मेरे थप्पड़ में मारा भी हो, इस तरह उसने मेरे साथ बात बात किया। और अभी तक वो मेरे घर में आकर मुझे धमकी देते हैं कि तुमको अकेला पाकर तुम जान से मार दूंगा, ऐसा अभी भी रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद भी बोले मेरे साथ इस तरह बदतमीज कर रहे हैं। मेरा नाम उमेश ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत ढंडन। बहुत दुर्भाग्य की बात है, अपने तखतपुर विधानसभा में सरपंचों के साथ मारपीट लगाया जा रहा है, जो कि शासन के जो कि भी जो योजना है सर्वे कार्य किया जा रहा था जिसमें घर को बताने के काम एक सिर्फ सरपंच किया जा रहा है, फिर भी अभी गांव में ऐसा टाइप माहौल बन चुका है कि जो आवाज़ सभी आ रहा है तो ये सरपंच लोग कटवा रहे हैं ऐसा सोच रहा है, जबकि यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसमें किसी भी प्रकार का सरपंच का हाथ नहीं है, जबकि इसमें सर्वे कराया गया है, ऑलरेडी टीचर वगैरह का इसमें ड्यूटी लगाया गया था, तो टीचर लोग क्या सर्वे किया है कैसे किया है ये टीचर लोग पूर्ण रूप से जानते हैं। इसमें सरपंच कोई भी प्रकार के जानकारी इसको नहीं है, मात्र ग्राम सभा में ही अनुमोदन किया गया था, इतना लोगों का यहाँ सर्वे हुआ है और बचत शेष इतना बाहर गया है करके, तो उसको पूर्ण रूप से वही बस जानकारी सरपंचों के नॉलेज में था। उसके बाद क्या कैसे हुआ है, किसका कटा है, कैसा कटा है, इसके बारे में सरपंच दो सरपंच को अपने तखतपुर विधानसभा में भी मारपीट हो गया है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक छोटे छोटे धारा लगा गया था जिसके कारण हमको आज थाना में आकर के घेराव करना पड़ा है। जिसमें सरपंच लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और उनका कहना था कि हमारे सरपंच भाइयों के साथ में मारपीट की घटना हुई है तो उस पर और कड़ी कार्रवाई करें, तो उसमें हमने सरपंच की रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर लिया गया है और उसमें अलग से प्रतिबंधक कार्रवाई भी करेंगे।